अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। विगत 27 वर्षों से जो है यात्रा निरंतर चल रही है। 1997 में प्रारंभ हुई थी और अब ये 2023 है। कोरोना काल में भी हमने 70 इस कांवड़ यात्रा को सांकेत रूप में निकाला था। इस वर्ष इस कांवड़ यात्रा में लगभग 1200 कांवड़ यात्री शामिल हैं। ये गोल बम कांवड़ संस्था जो है, कहाँ की संस्था, कैसे ये उद्देश्य आया कांवड़ यात्रा निकालने का? इतने वर्षों से इतने लोगों की संख्या में कांवड़ यात्रा निकलती है और धाराई से महाकाल बाबा को जल चढ़ाती है। हमने सुना था कि हरिद्वार में भी कांवड़ यात्राएं निकलती है, उधर भी निकलती है, उसको सुन के एक प्रेरणा हुई। माँ नर्मदा ने हमें प्रेरणा दी और स्वप्न में आकर ये प्रेरणा मतलब एक जागृत हुई कि कांवड़ यात्रा की प्रेरणा की और दूसरी चीज़ों की जैसे मंदिर है ये बनाना ये कर वहाँ पर बनाया उसकी प्रेरणा दी। हमने सोचा क्यों ना हम भी कांवड़ यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ करें। हमने शुरू में 57 लोगों के साथ 50 लोगों के साथ कांवड़ यात्रा निकाली थी और जब से ही ये कारोबार निरंतर चल रहा है। अपने देवास जिले से इधर आसपास कहाँ कहाँ से लोग इसमें सम्मिलित हैं? देवास जिले के इंदौर जिला, सीहोर जिला, अयोध्या जिला, उज्जैन जिला के लगभग 5-7 जिलों के लोग इसमें शामिल हैं और
लगभग ग्रामों की संख्या हम बताएं तो 150 ग्रामों के लगभग, कहीं 10 है, कहीं 5 है, कहीं 15 है, कहीं 40 है, इस प्रकार की संख्या इसमें। ये यात्रा कब शुरू हुई थी और कब उज्जैन पहुंचेगी? ये यात्रा इस अभी 8 अगस्त को मंगलवार को 11 बजे प्रारंभ हुई थी और 14 अगस्त को बाबा की नगरी में पहुंचेगी और 15 अगस्त को सुबह 7 बजे भगवान महाकालेश्वर का, बाबा महाकालेश्वर का जलाभिषेक किया जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम गिरधर गुप्ता, इस कांवड़ यात्रा का मैं संयोजक हूँ। सर 97 के बाद सर 98 से लगातार इस कांवड़ यात्रा का मैं संयोजक बना हूँ और आप हमारे हिंदू के पंडित हैं जो पूजन पाठ का कार्य प्रतिदिन करवाते हैं।